हेलो दोस्तों, मैं हूँ आसिफ इकबाल और आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विल का अपोजिट क्या होता है, विल का एंटोनिम क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। विल का मतलब होता है ठीक, WELL, विल का अर्थ होता है ठीक। इसी का अपोजिट वर्ड होता है इल, IELL, इल। विल का अर्थ होता है ठीक, इसका अपोजिट वर्ड होता है इल, IELL, इल। इल का अर्थ होता है बीमार। विल का अर्थ होता है ठीक, इल का अर्थ होता है बीमार, IELL, इल। इल का अर्थ होता है बीमार। अब दोस्तों, आपको कमेंट में लिख के बताना है कि गिल्टी का अपोजिट क्या होगा, गिल्टी का एंटोनिम क्या होता है। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।